अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूँ कौन बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में। इस वीडियो में मैं आपको चंद इस्लामिक सवालात के जवाब बताऊँगा और आखिर में एक सवाल दूंगा जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो आइए बिना ज़्यादा बात किए शुरू करते हैं आज के सवालात। आपका पहला सवाल है, जन्नती लोग जन्नत में सबसे पहले क्या पियेंगे? आपके ऑप्शन है, पहला दूध, दूसरा सलसबील, तीसरा शहद, चौथा शराब। तो इसका जवाब है, जन्नत में सबसे पहले जन्नती लोग सलसबील पिएंगे। ये एक किस्म की पीने की चीज है। अल्लाह बेहतर जाने कि ये कैसा होगा, इसका रंग कैसा होगा, इसका जायका कैसा होगा, क्योंकि जन्नत की छोटी से छोटी नेमत भी ऐसी है जिसे ना किसी आँख ने देखा है, ना किसी कान ने सुना है और ना ही किसी दिल में उसका ख्याल आया है। अल्लाह हमें दुनिया की बुरी चीज़ों से बचाकर जन्नत की बेहतरीन नेमतें अता करे, आमीन। आपका अगला सवाल है, जन्नती लोगों का खाना पानी कैसे हजम होगा? आपके ऑप्शन है, पहला पखाने के जरिए, दूसरा पेशाब के जरिए, तीसरा पसीने के जरिए, चौथा हवा के जरिए। इसका जवाब है, जन्नती लोगों का खाना पानी डकार और पसीने के जरिए हजम होगा और उस डकार और पसीने में बदबू नहीं होगी। दुनिया में अगर हमारे आसपास कोई डकार ले ले तो हमें बदबू आती है और किसी को पसीना आता है तो उसमें भी बदबू आती है, लेकिन जन्नत में जब जन्नती लोग डकार लेंगे या उससे पसीना आएगा तो उस डकार और पसीने में से मुश्क की खुशबू आएगी। दुनिया के मुश्क की खुशबू बहुत बेहतरीन होती है। जन्नत के मुश्क की खुशबू तो दुनिया के मुश्क से भी आला दर्जे की होगी, सुभान अल्लाह। आपका अगला सवाल है, जन्नत में कौन सी चीज नहीं होगी? आपके ऑप्शन है, पहला बच्चे पैदा होना, दूसरा शराब पीना, तीसरा बीवी होना, चौथा रेशमी कपड़ा। इसका जवाब है, जन्नत में बच्चे पैदा नहीं होंगे। जन्नत में निकाह होगा और निकाह का अमल भी होगा लेकिन बच्चे पैदा नहीं होंगे। इसके अलावा जन्नत में शराब भी होगी जो कि हलाल शराब होगी और जन्नत की शराब में से मुश्क की खुशबू आएगी। दुनिया की हराम शराब में से इतनी बदबू आती है कि बदबू की वजह से उल्टी हो जाए, लेकिन जन्नत की हलाल शराब में से मुश्क के जैसी खुशबू आएगी, माशाल्लाह। इसके अलावा जन्नत में मर्दों के लिए रेशमी कपड़ा भी होगा। दुनिया में मर्द के लिए रेशमी कपड़ा पहनना हराम है लेकिन जन्नत में मर्द के लिए रेशमी कपड़ा पहनना हलाल होगा। दुनिया में मर्द के लिए सोने की चीज पहनना भी हराम है लेकिन जन्नत में मर्द सोने के कंगन पहनेंगे और जन्नत में इंसान को ऐसी नेमतें मिलेंगी जिसे अगर इंसान सुन ले तो 24 घंटे अल्लाह की इबादत करे और पलक झपकाने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करे। अल्लाह हमें इबादत गुजार बंदा बनाए, आमीन। अगला सवाल है, उम्मती के लिए जन्नत में सबसे अफजल दर्जा कौन सा है? आपके ऑप्शन है, पहला जन्नतुल आला, दूसरा जन्नतुल फिरदौस, तीसरा जन्नतुल अफजल, चौथा जन्नतुल अर्ज। तो इसका जवाब है, उम्मती के लिए जन्नत में सबसे अफजल दर्जा जन्नतुल फिरदौस है जो कि अल्लाह के अर्श के ठीक नीचे है और जन्नतुल फिरदौस में से चार नहरें बह रही हैं। हदीस का मफहूम है कि जब भी अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो क्योंकि ये सबसे अफजल है। अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक सवाल दिया था जिसका जवाब आपको देना था, माशाल्लाह बहुत सारे भाइयों ने और बहुत सारी बहनों ने सही जवाब दिया है। तो सवाल ये था, सबसे पहले अल्लाह को कौन देखेगा? इसका सही जवाब है, सबसे पहले अल्लाह को जन्नती लोग देखेंगे, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जन्नत में जन्नती लोगों को दो सबसे बड़े इनाम मिलेंगे, पहला इनाम अल्लाह की रजा और दूसरा इनाम अल्लाह का दीदार। हदीस का मफहूम है, जब जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएंगे, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? तो जन्नती लोग बोलेंगे, या अल्लाह, क्या तूने हमारे चेहरे रोशन नहीं किए? क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया? क्या तूने हमें आग से निजात नहीं दिलाई? अल्लाह तूने हमें इतना कुछ दे दिया जितना हमने सोचा भी नहीं था, अब हम और क्या मांगे? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, आज मैं तुमसे राजी हो गया, अब मैं तुमसे कभी भी नाराज नहीं होऊंगा। फिर अचानक अल्लाह और बंदे के दरमियान के सारे पर्दे हट जाएंगे और उस वक्त जन्नती लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार करेंगे, उस अल्लाह को देखेंगे जिसने ये दुनिया बनाई, उस अल्लाह को देखेंगे जिसने जमीन फैलाई, उस अल्लाह को देखेंगे जिसने जमीन में दरख्त उगाए,
उस अल्लाह को देखेंगे जिसने आसमान से मीठा पानी बरसाया, उस अल्लाह को देखेंगे जिसने सूरज को चिराग की तरह रोशन बनाया और चांद को चमकता हुआ बनाया और आसमान में तारे सजा दिए, उस अल्लाह को देखेंगे जिसने दर्दनाक अजाब वाली जहन्नम बनाई, उस अल्लाह को देखेंगे जिसने बेहतरीन नेहमतों वाली जन्नत बनाई, उस अल्लाह को देखेंगे जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया और हम जैसे गुनाहगारों को नबियों के सरदार खातमन नबीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, उस अल्लाह को देखेंगे जिसको बिना देखे मुसलमान ने अल्लाह के होने की गवाही दी और सारी जिंदगी गुनाहों से बचता रहा और नेक काम किए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह हम जैसे गुनाहगारों को, हम जैसे खतागारों को अपना दीदार नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं आपको एक नया सवाल देता हूँ जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सवाल है, जन्नत में कौन से दिन बाजार लगेंगे? आपके ऑप्शन है पहला जुम्मे के दिन, दूसरा इतवार के दिन, तीसरा पीर के दिन, चौथा जुमेरात के दिन। तो आप बताइए इसका जवाब क्या है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप सही जवाब देंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरा ऐसी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको दीन की छोटी छोटी बातें बता सकूँ। आपसे गुजारिश है कि इन छोटी छोटी इस्लाम की बातों को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, क्योंकि ईमान की बात एक दूसरे को बताना सवाब जारिया है। इसका सवाब आपको मरने के बाद भी मिलता रहेगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह। जिंदा रहा तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।